हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका सेंशल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमने पिछली कुछ वीडियोस में लैरिंग्स के बारे में पढ़ा है। हमने उसकी मसल्स को देखा, कैविटी को देखा, उसके कार्टिलेजिस को देखा था, और इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके AVNL मतलब आर्टरी वेन नर्व एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टेरियल सप्लाई से। आर्टेरियल सप्लाई, हम कोई भी चीज़ इसमें बांटेंगे उसको इस तरह से बांटेंगे कि हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि वोकल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइटिनोइड कार्टिलेज से स्टार्ट होते हैं वोकल प्रोसेस से और थायरॉयड एंगल तक वो जाते हैं आगे। उससे ऊपर वाला जो पार्ट है वोकल फोल्ड से उसे बोलते हैं सुप्राग्लोटिस, और वोकल फोल्ड के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सबग्लोटिस, और वोकल कॉर्ड को बोलते हैं ग्लोटिस। तो तीन चीज़ें हैं, वोकल कॉर्ड के ऊपर वाला पार्ट सुप्राग्लोटिस, वोकल कॉर्ड को बोलते हैं ग्लोटिस, और वोकल कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, सबग्लोटिस। तो अप टू द वोकल कॉर्ड्स, आर्टेरियल सप्लाई की बात करेंगे अप टू द वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स अप टू द वोकल कॉर्ड का क्या मतलब हुआ, सुप्राग्लोटिस की बात चल रही है, ये वोकल कॉर्ड के ऊपर वाले पार्ट की। तो ये बात ध्यान रखो, ऊपर वाला पार्ट है तो सुपीरियर, लैरिंग्स के अंदर है तो लैरिंजियल, और आर्टरी की बात कर रहे हैं तो आर्टरी, तो क्या आएगा, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी। तो अप टू द वोकल फोल्ड कौन सप्लाई करता है, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, और बिलो द वोकल फोल्ड कौन सप्लाई करेगा, अब बिलो मतलब इन्फीरियर, तो इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी। तो सब कुछ नाम में ही लिखा हुआ है, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी अबव द वोकल फोल्ड्स एंड इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी बिलो द वोकल फोल्ड्स। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वो और भी ज्यादा इजी है, हमने आर्टरी याद कर ली तो आर्टरी की जगह वेन वर्ड लगाना है बस। अप टू द वोकल फोल्ड सुपीरियर लैरिंजियल वेन, और बिलो द वोकल फोल्ड इन्फीरियर लैरिंजियल वेन। अब क्या होता है, सुपीरियर लैरिंजियल वेन ड्रेन करती है फर्दर किस में, सुपीरियर थायरॉयड वेन में, और इन्फीरियर लैरिंजियल वेन फर्दर ड्रेन करती है इन्फीरियर थायरॉयड वेन में। तो ये चीज अलग है, याद रखनी है, ये सब चीजें बस आर्टरी की जगह हमने वेन लगा दिया, ठीक है, ये वेनस ड्रेनेज हो गया। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई पे जाने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पे हमें पता है वेगस नर्व होती है हमारे, ठीक है, वेगस नर्व प्रेजेंट होती है हमारे अंदर, इसे 10th क्रेनियल नर्व है ये, ठीक है, वेगस नर्व। वेगस नर्व की फर्दर होती हैं दो ब्रांचेस, एक होती है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, मतलब SLN मैं इसको बोलूंगा, और एक होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इसे मैं बोलूंगा RLN। तो वेगस नर्व की दो ब्रांचेस, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व मतलब SLN एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व मतलब RLN। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल ब्रांच और एक होती है इंटरनल ब्रांच। मतलब वेगस नर्व की दो ब्रांचेस, एक SLN एक RLN, SLN की फर्दर दो ब्रांचेस, एक एक्सटर्नल ब्रांच और एक इंटरनल ब्रांच। तो ये आपको पहले याद करना होगा, इसके बाद हम नर्व सप्लाई इजीली याद हो जाएगी हमको। तो एक्सटर्नल ब्रांच को कई बार बोल देते हैं एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, और इंटरनल ब्रांच को बोल देते हैं इंटरनल लैरिंजियल नर्व। तो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व बोलो या फिर एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व बोलो, एक ही बात है। अब चलते हैं नर्व सप्लाई पे। सबसे पहले बात करेंगे मोटर सप्लाई की। मोटर सप्लाई मतलब मसल्स को सप्लाई, मूवमेंट तो मसल कराती है, तो मोटर सप्लाई मसल्स के पास जाएगी। हमने लैरिंग्स में टोटल पढ़ी थी 9 मसल, ठीक है, उन 9 में से 8 मसल तो लैरिंग्स के अंदर लाया करती हैं। एक मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि एक मसल ऐसी है जो लैरिंग्स के बाहर प्रेजेंट होती है, वो होती है क्रिकोथायरॉयड। क्रिकोइड से थायरॉयड पे जाती है। क्रिकोथायरॉयड मसल इज द ओनली मसल which is present outside the larynx. So all muscles are present inside the larynx except the cricothyroid. तो सभी अंदर हैं, तो अंदर वाली जितनी भी मसल हैं उनको सप्लाई करती है recurrent laryngeal nerve. अंदर वाली मसल को कौन सप्लाई कर रहा है, RLN, recurrent laryngeal nerve मतलब RLN। किसकी ब्रांच है, वेगस नर्व की, अभी हमने देखा था पीछे, वेगस नर्व की ब्रांच है recurrent laryngeal nerve। क्रिकोथायरॉयड को कौन सप्लाई करता है, इसको ये बाहर है तो इसको कौन सप्लाई करेगा, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, या तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, या फिर इसको सीधा एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व भी बोल देते हैं।
एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है क्रिकोथायराइड को और बाकी मसल्स को सप्लाई करती है RLN. बाकी सब मसल्स को कौन सप्लाई करती है? RLN एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड. क्रिकोथायराइड बाहर है तो उसको कौन सप्लाई करेगी? एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ SLN. ठीक है, अब बात करते हैं सेंसरी सप्लाई की. सेंसरी सप्लाई कहाँ होगी? म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, जो लैरिंग्स की मेम्ब्रेन होगी उसमें सप्लाई होगी सेंसरी, तो सेंसेशन तो वहां से जाएंगी ना. अब ये भी हमने तीन पार्ट में बांटा है, अप टू द वोकल फोल्ड मतलब सुप्रा ग्लोटिस, बिलो वोकल फोल्ड मतलब सब ग्लोटिस, और वोकल फोल्ड मतलब ग्लोटिस. तो अप टू द वोकल फोल्ड में सप्लाई करता है इंटरनल ब्रांच ऑफ द SLN. इंटरनल ब्रांच अभी तक कहीं नहीं आई थी, पीछे जो हमने मोटर सप्लाई पढ़ा उसमें नहीं आई थी, लेकिन ये देखो इंटरनल ब्रांच ऑफ द SLN ये रही. ठीक है, ये बच गई थी तो ये इधर आ जाएगी, इंटरनल ब्रांच ऑफ SLN. बिलो द वोकल फोल्ड RLN, बिलो द वोकल फोल्ड तो RLN ही करेगी. और वोकल फोल्ड को कौन सप्लाई करती है? दोनों की दोनों, मतलब इंटरनल ब्रांच ऑफ SLN भी और RLN भी, दोनों की दोनों सप्लाई करती है वोकल फोल्ड को. इंटरनल ब्रांच ऑफ SLN को हम इंटरनल लैरिंजियल नर्व भी बोल सकते हैं. अब नेक्स्ट बात करें लिम्फेटिक ड्रेनेज की. लिम्फेटिक ड्रेनेज भी वही फर्दर है, अबव द वोकल फोल्ड एंड बिलो द वोकल फोल्ड. अबव वोकल फोल्ड ड्रेन करता है एंटेरो सुपीरियर ग्रुप. अबव वोकल फोल्ड मतलब सुपीरियर है तो यहां पे आएगा सुपीरियर वर्ड. एंटेरो सुपीरियर ग्रुप ऑफ द डीप सर्वाइकल नोड्स में ये ड्रेन करता है, जबकि बिलो द वोकल फोल्ड, बिलो हो गया तो इन्फीरियर वर्ड आएगा, पोस्टेरो इन्फीरियर ग्रुप ऑफ द डीप सर्वाइकल नोड्स. मतलब ड्रेन तो कर रहे हैं किसके अंदर? डीप सर्वाइकल नोड्स में ही दोनों, एक एंटेरो सुपीरियर ग्रुप में कर रहा है, एक पोस्टेरो इन्फीरियर ग्रुप में कर रहा है. वोकल फोल्ड्स की बात करें तो इसमें कोई लिम्फेटिक्स नहीं होते, ये बात याद रखना. और इसको वाटरशेड लाइन बोलते हैं, इससे ऊपर वाले जो लिम्फेटिक्स हैं वो ऊपर की तरफ ड्रेन करते हैं, इससे नीचे वाले जो लिम्फेटिक्स होंगे वो नीचे की तरफ ड्रेन करेंगे, तो ये वाटरशेड लाइन इसको हम बोलते हैं इस वजह से. अब कोई लिम्फेटिक्स नहीं होता वोकल फोल्ड में, इस वजह से कार्सिनोमा जो है वोकल फोल्ड का, अगर कैंसर हो जाता है तो उसकी प्रोग्नोसिस बेस्ट है. क्यों बेस्ट है? प्रोग्नोसिस का मतलब होता है, मान लो हम कोई मेडिकेशन देंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कितने चांसेस हैं कि वो सफल होगा, कि हमें मतलब पेशेंट ठीक हो जाएगा. ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके कार्सिनोमा ऑफ वोकल फोल्ड में, क्योंकि कोई लिम्फेटिक्स नहीं है तो इसका इसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम है. मेटास्टेसिस के चांसेस बहुत कम है, मतलब इसका जो कार्सिनोमा होगा वो इसी तक सीमित रहेगा, यहाँ से दूसरे लिम्फेटिक्स के थ्रू, यूनि की दूसरे ऑर्गन में चला गया, बॉडी के अदर पार्ट्स में नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ही रहेगा यहाँ का कैंसर. इसलिए कार्सिनोमा जो है उसकी प्रोग्नोसिस होती है बेस्ट, ये बात इंपॉर्टेंट है. तो ये हमने बात कर ली AVNL की. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट्स ऑफ द वोकल फोल्ड्स की. वोकल फोल्ड हमने देखा था कुछ इस तरह की शेप थी, देखो दो कार्टिलेज थे एराइटिनॉइड, ये देखो ये दो कार्टिलेज हैं दोनों तरफ एराइटिनॉइड, उनके बीच में ये वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है. तो मैंने बताया था वोकल कॉर्ड का जो पार्ट दोनों कार्टिलेज के बीच में आ रहा है, ये देखो वोकल, ये वोकल कॉर्ड है देखो ग्रे कलर में, इसका जो पार्ट कार्टिलेज के अंदर आ रहा है उसे हम बोलते हैं इंटर कार्टिलेजिनस पार्ट, और जो पार्ट कार्टिलेज के ऊपर है उसे बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द वोकल फोल्ड्स. नहीं वोकल फोल्ड नहीं, रीमाग्लोटिडिस. रीमाग्लोटिडिस कहता दोनों वोकल फोल्ड के बीच का स्पेस को हमने रीमाग्लोटिडिस बोला था. अब मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड क्या करती है? शेप और साइज जो था रीमाग्लोटिडिस का उसको अफेक्ट करेगी. मूवमेंट होगी, वोकल फोल्ड ऐसे हैं तो ग्लोटिडिस की शेप अलग है, ऐसे होंगी तो अलग शेप होगी. ठीक है, तो ये जो शेप है ये नॉर्मल है, जब हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, या फिर रेस्ट पे जब हम हैं, तब जो वोकल फोल्ड की पोजीशन होगी वो ये वाली पोजीशन होगी, मतलब इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट. इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट मतलब आगे वाला पार्ट. इसकी शेप क्या है? ये देखो ट्रायंगुलर शेप है इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट की, और इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट की शेप देखोगे तो वो है क्वाड्रेंगुलर. तो टोटल ओवरऑल शेप देखेंगे तो वो बन जाएगी पेंटागोनल. तो नॉर्मल जब क्वाइट ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही होती है, या फिर जब हम रेस्ट पे होते हैं, तब कैसी शेप होती है रीमाग्लोटिडिस की? पेंटागोनल. और अलग अलग पार्ट की शेप की बात करें तो इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट मतलब आगे वाले पार्ट की ट्रायंगुलर, और पीछे वाले पार्ट की क्वाड्रेंगुलर शेप है. देखो ये देखो ये क्वाड्रेंगुलर शेप बन रही है ना, और आगे ट्रायंगुलर शेप, और पूरे की पेंटागोनल शेप. अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पीच या फोनेशन. फोनेशन या स्पीच मतलब जब हम बोलते हैं तब कैसी शेप होती है वोकल फोल्ड्स की. एक बात ध्यान रखना, जब भी हम बोलते हैं तो वोकल फोल्ड जो है वो एडक्टेड पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं.
अब बंद हो जाएंगे तभी तो आवाज आएगी, अगर खुले हैं तो हम नॉर्मल रेस्पायर कर रहे हैं, लेकिन बंद हो जाएंगे तो जब हवा नीचे से आ रही है हम बोलते हैं तब, तो वो हवा इससे टकराएगी वोकल फोल्ड से, उसके कारण वाइब्रेशन होगा और साउंड प्रोड्यूस होती है। फोनेशन के टाइम पे एडक्शन ऑफ वोकल फोल्ड होता है, ग्लोटिस जो है वो एक चिंक की तरह बिल्कुल बंद हो जाता है। इस डायग्राम में देखो बिल्कुल बंद हो गए वोकल फोल्ड, दोनों आपस में मिल गए, कुछ इस तरह से पास आ जाते हैं अराइटिनॉइड, इसे इस शेप को बोलते हैं लीनियर चिंक। तो कोई पूछे फोनेशन के टाइम पे क्या शेप है, तो उसे बोलते हैं लीनियर चिंक शेप, और क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम पे पेंटागनल शेप। नेक्स्ट है फोर्स इंस्पिरेशन, बहुत एकदम से मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं एकदम से बहुत ज्यादा हमें फोर्स इंस्पिरेशन लेनी है, तो इस टाइम पे IM और IC मतलब है, IM मतलब इंटर मेम्ब्रेनस एंड IC मतलब इंटरकार्टिलेजिनस, इंटर मेम्ब्रेनस और इंटरकार्टिलेजिनस दोनों के दोनों ट्रायंगुलर शेप हो जाती है। ये देखो आगे इंटर मेम्ब्रेनस है, ये भी ट्रायंगुलर, पीछे इंटरकार्टिलेजिनस दोनों ट्रायंगुलर, देखो ये भी ट्रायंगल पीछे भी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल मिलके क्या बना देते हैं डायमंड शेप्ड ग्लोटिस, ग्लोटिस मतलब वोकल फोल्ड्स, तो डायमंड शेप ग्लोटिस या फिर रीमन ग्लोटिडिस हम बोल सकते हैं, उसकी शेप डायमंड जैसी हो जाती है, फुल्ली एबडक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सांस मतलब बहुत ज्यादा हवा अंदर लेनी है ना, तो एबडक्शन फुल्ली एबडक्शन हो जाएंगी वोकल फोल्ड्स की, बहुत ज्यादा हवा लेनी है तो पूरी तरह से खुल जाते हैं वोकल फोल्ड्स। अब लास्ट जो है वो है विस्परिंग, मतलब हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, विस्पर कर रहे हैं, खुसर पुसर कर रहे हैं, ठीक है। तो विस्परिंग के टाइम पे इंटरकार्टिलेजिनस पार्ट ओपन हो जाता है लेकिन इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट बंद रहता है, मतलब आगे से तो बंद रहता है इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट, लेकिन दोनों राइटिनॉइड के बीच का जो पार्ट है ये ओपन हो जाता है और शेप बन जाती है फनल शेप। ये देखो कुछ इस तरह की शेप बन गई ना, ये फनल ऐसा ही तो होता है, तो उल्टा फनल शेप ये बनी हुई है। तो इस डायग्राम में सारी पोजीशन है, ये देखो आगे क्या है थायराइड है, थायराइड कार्टिलेज, और पीछे की तरफ क्या है राइटिनॉइड वगैरह है, तो हमने एक्सिस बना दी इस तरह से। बीच में से एक लाइन जा रही है, ये कौन सी लाइन है मीडियन, ये देखो ब्लैक कलर में बीच में से जा रही है मीडियन लाइन है। अब वोकल फोल्ड्स नॉर्मली कैसे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कैडेवरिक पोजीशन, कैडेवरिक पर्पल में है, जो आप पर्पल लाइन यहाँ पे देख रहे हो ये कैडेवरिक पोजीशन है, मतलब नॉर्मली प्रेजेंट है, ओपन पोजीशन होती है कैडेवरिक पोजीशन, मतलब ओपन पोजीशन, उस टाइम पे वोकल फोल्ड्स एबडक्टेड रहते हैं, एडक्टेड नहीं होते, एबडक्टेड होते, दूर रहते हैं ऐसे। लेकिन जब एडक्शन होता है तो ऐसे हो जाते हैं और एबडक्शन में ऐसे हो जाते हैं। तो कैडेवरिक पोजीशन ये पर्पल कलर में कैडेवरिक पोजीशन है, या फिर ग्रीन कलर भी आप मान सकते हो, ये भी कैडेवरिक ही है। ब्लू कलर जो है ये है एडक्टेड पोजीशन, मतलब दोनों वोकल फोल्ड पास आ रहे हैं, और बाहर जो रेड कलर है ये है एबडक्टेड पोजीशन है, मतलब दूर जा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये हमने बात कर ली वोकल फोल्ड की मूवमेंट की और पोजीशन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।